हाय गाइस, आई एम डॉक्टर प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कोल्ड या ज़ुकाम। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, मॉनसून चल रहा है और आपको पता ही है सर्दी ज़ुकाम के पेशेंट हमें इस मौसम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि ज़ुकाम या कोल्ड है क्या। कोल्ड ये एक ऊपरी श्वसन तंत्र का फैलने वाला इन्फेक्शन है जो अधिकतर नसिका को या नाक को प्रभावित करता है। इसके कुछ सिम्टम्स हैं जैसे गले की खराश, नाक बहना, नसिका मार्ग में रुकावट, सांस ठीक से ना ले पाना, बॉडी पेन, फीवर, वीकनेस, सर में दर्द, भूख कम लगना, मुंह का टेस्ट खराब होना एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, इन्फेक्शन शुरू होने के 2 से 3 दिन बाद सभी सिम्टम अपने चरम पर पहुंच जाते हैं। फ्रेंड्स, लगभग 3 से 5 दिन में ये सिम्टम अपने आप धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। बट कभी कभी ये देखा गया है कि ये सिम्टम 3 हफ्ते तक भी देखे गए हैं। इसके कॉजेज हैं, सबसे मेन जो इसका कॉजेज है वो है इन्फेक्शन फैलाने वाले वायरस का हमला, खाने पीने की बुरी आदतें जैसे कि ठंडा गर्म एक साथ खाना, खुली हवा में रहने की बजाय एसी कूलर में रहना, मौसम में बदलाव की वजह से भी कोल्ड या ज़ुकाम के हम शिकार हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, जुकाम या कोल्ड का जल्द ही ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा समय तक जुकाम रहने से हमारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं और ये जुकाम आगे चलकर विकराल रूप ले लेता है, जिसे हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट के साथ साथ कलर थेरेपी और कुछ घरेलू टिप्स भी बताऊँगी। सो इसके एक्यूप्रेशर पॉइंट है LU7 यानी लंग्स 7। इसका सेकंड पॉइंट है LU11 यानी लंग्स 11। फ्रेंड्स, ये तो है एक्यू पॉइंट। अब इसकी कलर थेरेपी की बारी है। फ्रेंड्स, कलर थेरेपी बताने से पहले, अगर आपको कलर थेरेपी के बारे में जानना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं, तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बताइए। वेल, आते हैं अपने ट्रीटमेंट की तरफ। नोज़ कॉरेस्पॉन्डेंस पर जो हैंड में है उस पर हमें सिंपल रेड मार्कर, वही मार्कर जो हम यूज़ करते हैं कलरिंग करने के लिए, कुछ लिखने के लिए, या जो बच्चे स्केच यूज़ करते हैं रेड कलर का, आप वो भी ले सकते हैं। इन्हें रेड कलर का सर्कल बनाना है और उस कॉरेस्पॉन्डेंस पर सर्कल को फिल भी करना है रेड कलर से, और इन पॉइंटों के साथ साथ अदरक, लौंग, काली मिर्च, तुलसी की चाय पीनी है और साथ में धूप लेनी है, ठंडी चीज़ों से परहेज़ करना है। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, कल मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।